ही वॉज फर्स्ट हिंदू, ही हैज लेटर कन्वर्टेड हिंदी में, सॉरी ओके ओके उर्दू में, तो वो क्या है, पहले क्रिश्चियन थे। आपने कहा वो गैर मुस्लिम उर्दू जानता है, हिंदी जानता है, और आप सवाल पूछे अंग्रेजी में, उनको सवाल तो समझने दो, बराबर ना। आपने कहा कि वो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सवाल कीजिए, मेरी अंग्रेजी और अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन हम जो सवाल जवाब कर रहे हो गैर मुसलमान के लिए कर रहे, तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए। सर इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, इज़ अ सील ऑफ प्रॉफिट्स, तो आप बोले कि मैं उनको समझा के बाइबल में, यानी आप ही के, मैं क्यू टी वी पर प्रोग्राम देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया, तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है, तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे। मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा, कुरान में कहा गया है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49, सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ़ में भी सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोसल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी हैं नॉन जूज, यहूद के अलावा, अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोसल से, गो ई नॉट इन टू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इन टू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स, बट रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इज़राइल। आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इज़राइल, उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इज़राइल, मैं नहीं भेजा गया हूँ लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल सामने वाले माइक से किया जाए। नमस्कार साहब, जाकिर साहब, मैंने आपका प्रोग्राम बहुत बार टी वी पर देखा था। मेरा नाम गोविंद तिवारी है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने स्कूल चलाते हैं, और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है वहाँ पर नहीं वंदे मातरम गाया जाता है। जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम भी नहीं गाते हो स्कूल में, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है, और उनकी स्कूल में, कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हिंदी ही नहीं पढ़ाया जाता, और उनके कहा से ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते हैं। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये ज़रा मुझे बताएंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे, और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या ये सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में, देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता? हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना
या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मज़हबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के ख़िलाफ़ है, अल्लाह सुबहाना व तआला के ख़िलाफ़ है, भगवान के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है, माइक्रोफोन ऑन कीजिए ज़रा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, सर झुका के, सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा अस्सलामुअलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो, आप समझे ना। मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ, ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत हिंदू खातून मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है, आर यू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ मैं आपका रोज़ प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी, सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूँ इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है, ना हिंदी मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेज़ी और अरबी पर, नंबर वन अंग्रेज़ी अरबी, फिर उर्दू हिंदी मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मजाहब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो, संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी तो छोड़ो, संस्कृत,
क्योंकि वेद संस्कृत में हिंदी में नहीं है, हिंदू की जबान है संस्कृत। और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में इंसानियत, लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूँ फिर तर्जुमा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ रेफरेंसेस देता हूँ मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की। सबसे पहले अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूँ, आई एम अ गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूँ। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज़ फ़र्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज़ नहीं जो इस्लाम में फ़र्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन अगर टकराव होगा मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है तो खालिक का कानून ऊँचा है, खालिक का कानून ऊँचा है, खुदा का कानून ऊँचा है, अल्लाह का कानून ऊँचा है, फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी, देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, कितना 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी, देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए, मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। अगर देश की तरक्की चाहता हूँ, हाँ मैं हूँ देशभक्त। तो देशभक्त के मानी क्या इंपॉर्टेंट है? अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ, अल्लाह की करता हूँ, खुदा की करता हूँ, लेकिन देश की भलाई चाहता हूँ। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूँ। कई चीज़ें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के ख़िलाफ़। इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, लिहाजा हम ज़्यादा से ज़्यादा और दो सवालात रख सकते हैं या दो राउंड पूरे कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमारे ख़वातीन के शोबे में कोई अगर गैर मुस्लिम बहन है तो फौरन सवाल करें। नो, नॉन मुस्लिम से हो? अच्छा, हमारे यहाँ कोई भाई हैं गैर मुस्लिम? आइए। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, श्रीराम राजू है मेरा नाम। तो जो आप कॉन्सेप्ट आपका सुनता हूँ मैं, तो वेद, चतुर्वेद और भगवद गीता में जो कॉन्सेप्ट है एक अल्लाह का, तौहीद, रिसालत, आखिरत, यही कॉन्सेप्ट जो ना आप लोग पेश कर रहे हैं, तो जब ये कॉन्सेप्ट को इंसान सुनता है तो क्यों उन नाम चेंज कर लेना, मज़हब क्यों चेंज कर लेना? अगर सही एक है तो सब किताबों में भी एक ही है, तो नाम और जो है ना
मज़हब क्यों चेंज कर लेना। और यह है कुछ हमारे साथ यहाँ इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वहाँ के मुसलमान लोग क्या बोल रहे हैं, ज़रूर तुम नाम चेंज कर लेना, मज़हब चेंज कर लेना, ऐसा करने से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो वहाँ के मुसलमान जो है ना ये नाम को और जो है ना ये मज़हब चेंज करने के लिए बहुत ये कर रहे। और दूसरी बात ये है भाई साहब, एक सवाल, कम वक्त है, आपने दो सवाल पूछ चुका है, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद बाकी को मौका दिया जाएगा। भाई साहब ने सवाल किया है कि अगर वेद में लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक अल्लाह के बारे में और रिसालत के बारे में, तो हमें मज़हब चेंज करने की ज़रूरत क्या है। मैं कब कह रहा हूँ कि मज़हब चेंज करो, मैं कह रहा हूँ कि मज़हब पे पुख्तगी से अमल करो। आपके वेद में लिखा है, भगवद गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवद गीता चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, भाग नंबर 7, श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, दे वर्शिप डेमी गॉड्स। जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे, मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है, वो गलत खुदा की इबादत करता है, बुत परस्ती करता है, आइडल वर्शिप करता है। तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मज़हब बदलो, मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती ख़त्म करो। उसके आगे लिखा है आपके वेद में कि कई ऋषि आएंगे, अंतिम ऋषि आएंगे, और लिखा है कि अंतिम ऋषि का जो भी कहना है उसे मानो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फ़र्ज है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपका मज़हब बदलो, मैं कह रहा हूँ मज़हब पे पुख्तगी से अमल करो, और जब अमल करेंगे आपको मानने पड़ेगा एक खुदा में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आखिरी पैगाम कुरान में। ये लिखा है क्रिश्चियन किताब में, जूश किताब में, हिंदू किताब में भी। आपने कहा नाम बदलना ज़रूरी है, नाम बदलना ज़रूरी नहीं है, नाम से कोई मुसलमान नहीं बन जाता, मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, अब्दुल्ला, अमल से बनता है, अमल से। अगर आप अपनी सारी रजा अल्लाह खुदा के हवाले करते हैं उसे कहते हैं मुस्लिम। आप अपना नाम बदलने से जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, शाकिर से मुस्लिम नहीं बन जाते। मुस्लिम बनते हैं आपकी सारी रजा अल्लाह के हवाले करना, फिर आप मुस्लिम बनते हैं। हिंदू के मानी क्या, हिंदू इज़ अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, ज्योग्राफिकल इलाकी एतबार से डेफिनेशन है। जो कोई इंसान, जो कोई शख्स इंडस वैली के इर्द गिर्द रहता है, इन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो इंसान सिंधु नदी के आसपास रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अरबों ने जब इस देश में आए, तो हिंदू लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया था अरबों ने। तो ज्योग्राफिकली जो भी शख्स इस देश में रहता है उसे हिंदू कहते हैं। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, मजहबी एतबार से नहीं, ज्योग्राफिकली इलाके एतबार से। अगर आप कहते हैं कि हिंदू मतलब बुद्ध की पूजा करना, तो मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन इलाके एतबार से मैं इंडियन हूँ, इलाके एतबार से मैं हिंदू हूँ, और खुदा को मानने के एतबार से मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं सारी रजा अल्लाह के हवाले करता हूँ। और इस्लाम में भी नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। अगर वो नाम शिरकाना है, जिसमें शिर्क की बू आ रही है, तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। आप अपना पुराना नाम भी रख सकते, अमली तौर पर आप अल्लाह की बात मानो तो आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं तो सामने से करें। मेरा नाम टी रमेश है, मैं यूनाइटेड एयरलाइंस कोरियर में काम कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि थोड़े दिन पेपर में और मीडिया में देखा है, ऐसा जो स्पोर्ट्स स्टार है वो कहते हैं तो कपड़े से, तो कपड़े के लिए रिस्ट्रिक्शन रखे से है, उनको रिस्ट्रिक्शन करे, ऐसा खेलना नहीं, तो वही पिक्चरों में तो बहुत दिन से ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए क्या है। और एक सवाल है मेरा, मैं आपका क्यू टी वी देखता हूँ, और वो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ले तो बहुत अच्छा रहता है।
भाई साहब ने दो सवाल पूछा है, दूसरा सवाल था कि मेरे क्यू टीवी के तकरीर है रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे तो अच्छा है। मेरे तरफ से कोई भी मानियत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो भी चाहे कर सकता है, नो कॉपीराइट। लेकिन मैं आपकी ज़बान नहीं जानता हूँ, आपके हैदराबादी लोग करना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो कॉपीराइट, इंशाल्लाह सवाब मिलेंगे। जहाँ तक कि पहला सवाल था कि इस्लाम में मीडिया में कुछ महीने पहले स्पोर्ट्स के बारे में रिस्ट्रिक्शन आया था कपड़े पहनने के बारे में, तो आपकी राय क्या है? आपका जो सवाल है वो सानिया मिर्ज़ा के बारे में है ना, सानिया मिर्ज़ा के बारे में ना, तो डायरेक्ट पूछिए ना, मुझे पता है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हो। और ये सानिया मिर्ज़ा के इशू के बारे में कई महीनों तक इंडियन मीडिया फिर फॉरेन मीडिया से उछाली और ये एक टॉक ऑफ द टाउन फ्रंट पेज के ऊपर आ चुका था कि इस्लाम सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ है, मौलाना लोग ने उसके खिलाफ बात की वगैरह वगैरह। मैंने काफ़ी रिपोर्टें पढ़ी लेकिन मेरी राय ये है कि ऐसे जब सवालात उठते हैं तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए, हिकमत से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मौलाना ने फतवा दिए या कई लोग ने जो कहे, अक्सर मौलाना ने सही फतवा दिए अक्सर, लेकिन काफ़ी पॉलिटिशियन बीच में आ गए हो सब, मैं मुख्तसर से आपको उसका बयान दूंगा। लोग कह रहे थे कि इस्लाम रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, के इस्लाम स्पोर्ट्स की तरक्की के ख़िलाफ़ है, और सानिया मिर्ज़ा से मीडिया पूछ रही थी कि इस्लाम हराम कहता है तो क्यों आप ऐसे कपड़े पहन रहे वगैरह वगैरह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सानिया मिर्ज़ा लॉन टेनिस में नंबर 31 थी, अभी 34 हो गए वापस से, लगभग करीब है 31-34 नंबर पर है। आप सबसे नंबर वन टॉप सीड सेरेना विलियम्स से क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं उससे पूछते कि उसका मज़हब उसे इजाज़त देता है ऐसे कपड़े पहनने की? आप मौलाना से क्यों पूछते कि इस्लाम में जायज़ है कहने? आप जाके प्रीस्ट से क्यों नहीं पूछते? आप जाके पोप से क्यों नहीं पूछते क्या सेरेना विलियम्स जो नंबर वन है ऐसे कपड़े पहनना क्रिश्चियनिटी अलाउ करती है कहने? पोप मेरे नज़रिए से बिल्कुल कहेगा हराम है, क्लियरली लिखा है हिजाब के बारे में बुक ऑफ डिटोनमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में हिजाब के बारे में लिखा हुआ है, फर्स्ट मिती चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में कि औरतें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, सोबर मॉडेस्ट, द वुमन शेव ए मॉडेस्ट क्लोथ विथ शेम फेसडनेस विथ सोब्राइटी शुड नॉट हैव ब्रेडेड हेयर ऑफ गोल्ड नॉ वे पर्स। मतलब भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सोने नहीं पहनना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए इज्जत के साथ, और क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे कपड़े पहनना हराम है। अगर आप प्रीस्ट से पूछेंगे कोई भी प्रीस्ट कहेगा, इसीलिए आप देखते हैं कि नन लोग मुस्लिमा जैसे लिबास पहने, इस्लाम के लिबास पहने, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिखता है। तो आप जब कहते हैं कि जो लोग मजहबी है, जो औरतें मजहबी है उन्हें ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, हमारे हिसाब से हर औरत, हर मुस्लिमा, हर मुस्लिम खातून मजहबी होना चाहिए और उसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मीडिया क्या करती है, उछालती है, और अफसोस की बात हमारे कई मुसलमान पॉलिटिशियन वो कहने लगे कि ये मौलाना है ना, ये सिर्फ मजहबी तक रहना चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं ये मुस्लिम पॉलिटिशियन से कहता हूँ कि वो अपने पॉलिटिक्स तक महदूद रहो, इस्लाम के दायरे में मत आओ। वो कहता है कि मौलाना जो है ना ये हमारे स्पोर्ट्स वुमेन को तरक्की करने से रोकते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ और कई हमारे गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस कहने लगे कि जो भी कोई सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, हमारे हिंदू पॉलिटिशियंस। तो मैंने कहा कि जो भी कोई सानिया मिर्ज़ा के कपड़े का साथ देता है वो वेद के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ है। हिंदुइज्म में भी लिखा है, आप हिंदू किताब पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 10 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 85 श्लोका नंबर 30, और ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 8 चैप्टर नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में कि ब्रह्मा ने, खुदा ने आपको औरत बनाया है, इसलिए नज़र नीचे करो और अपना सर ढाको। तो हिंदुइज्म में भी हिजाब है, तो ये हिंदू पॉलिटिशियन अपनी मजहबी किताब पढ़े ही नहीं,
वो जो कहते हैं कि सानिया मिर्जा के लिबास के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। मैंने कहा जो सानिया मिर्जा के लिबास के साथ है वो हिंदू मजहब के खिलाफ है। और मैं कहता हूं ये पॉलिटिशियन से चाहे हिंदू या मुस्लिम हो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को तरक्की से रोकना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि पहले लॉन टेनिस में, बैडमिंटन में हम देखेंगे खवातीन पूरे कपड़े पहनती थी, पूरी ढकी हुई थी। जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कपड़े कम होते जा रहे। तो पहले तो लोग खेलते थे मुस्लिम और गैर मुस्लिम खवातीन भी, अभी क्यों ज़रूरी आ गई? मान लो मैं कहता हूँ अगर कल बीच वॉलीबॉल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा जिसमें औरतों को बिकिनी पहन के खेलना होता है, तो क्या आप अपनी बेटी को भेजेंगे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? कौन सा हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए भेजेगा? बीच वॉलीबॉल जानते हैं आप? बीच वॉलीबॉल अगर कल वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन गया तो क्या भेजेंगे अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? और मैं जानता हूँ कि कपड़े पहनने से कुछ परफॉर्मेंस में तब्दीली हो सकती है, 1%, 0.5%, 0.5% हो सकती है। लेकिन अगर खाली कपड़े पहनने से कुछ फर्क आता है 0.5%, 1%, हम जानते हैं कि स्विमिंग के लिए कम कपड़े पहना जाता है तो क्या स्विमिंग और अच्छे से हो सके? अगर आप अक्कल लड़ाएंगे तो कपड़े नहीं पहनेंगे सबसे अच्छी स्विमिंग होंगी, तो क्या बिना कपड़े स्विमिंग करेंगे? आप बोलेंगे नहीं नहीं ये मेरी हिजाब का महदूद, मेरी मॉडेस्टी है इतना पहनना, बिकिनी पहनना आपकी मॉडेस्टी। हमारी मॉडेस्टी है कि सतर ढका हुआ ना चाहिए। आपका लेवल ये है, हमारा लेवल वो है। लेकिन अगर आप सचमुच हिकमत जानते तो कपड़े मत पहनो ना, क्यों कपड़े पहनते? आप देखेंगे कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें मीडिया की बाजी उल्टी करना चाहिए। जब मुझे पूछा गया था कि सानिया मिर्ज़ा ऐसे कपड़े पहनती है क्या, सही करती है, तो मैंने कहा आप सानिया मिर्ज़ा को फिलहाल आप ये देखिए कि कई मुसलमान क्रिकेटर्स चाहे वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे या चाहे पाकिस्तान के लिए खेल रहे, नमाज के वक्त नमाज भी नहीं पढ़ते, जुम्मा नमाज भी नहीं पढ़ते। सही हदीस में आता है कि काफिर और मुस्लिम के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज है, सलाह। कम से कम सानिया मिर्ज़ा नमाज तो पढ़ती है, सलाह तो पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कल वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो मैं कहता हूँ कि जो ये मुसलमान क्रिकेटर्स सानिया मिर्ज़ा से और बड़ा हराम कर रहे, सानिया मिर्ज़ा से बड़ा हराम कर रहे, कम से कम नमाज तो पढ़ती है, उसके लिए हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर कुछ गलती कर रही है हमें उसके साथ हिकमत से पेश आना चाहिए और कहना चाहिए अल्लाह ताला उन्हें इंशाल्लाह हिदायत देंगे, कम से कम नमाज तो पढ़िए। हो सकता है चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा, वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगे। और मैं जानता हूँ कि परफॉर्मेंस में शायद 0.5%, 1% हो सकता है कि लंबे कपड़े पहनने से परफॉर्मेंस में कमी हो, लेकिन जब अल्लाह का साथ है तो परफॉर्मेंस में कितनी तरक्की होंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि इफ अल्लाह फॉरसेक्स यू नन कैन हेल्प यू, अगर अल्लाह आपका साथ छोड़ दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह अगर साथ दे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो इसीलिए मोमिनों से अल्लाह पे भरोसा रखने के लिए कहिए। तो हो सकता है सानिया मिर्ज़ा इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद, चाहे हफ्ते हो या महीने हो या साल हो, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे हिदायत दे और वो कपड़े भी अच्छे पहने और इंशाअल्लाह तरक्की भी करे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि वक्त की किल्लत है और सवाल करने वाले ज़्यादा, मगर कानून का एहतराम ज़रूरी है, लिहाजा हम आज की इस नशिस्त को ख़त्म करते हैं। قلقا يجهزني إلى دار البلاد